पोलियो से लड़ने के लिए राजधानी भोपाल के काटजू अस्पताल में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। पोलियो मुक्त प्रदेश को लेकर यह अभियान भोपाल से काटजू अस्पताल सहित प्रदेश के 16 जिलों में चलाया गया। पोलियो के संभावित खतरे और सतर्कता बरतने के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग का यह अभियान है और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस दौरान अपने हाथों से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पोलियो दोबारा भारत में पैर न पसारे, मध्य प्रदेश में इसके लिए पहले से ही निगरानी रखी जा रही है और इस बार विशेष प्रयोग भी किया गया है। एम्बुलेंस अभियान के लिए जाएगी। आपको बता दें कि अभियान भोपाल, भिंड, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन सहित अन्य जिलों में भी चलाया जाएगा। अर्बन सिटी और पिछले अभियानों में रह गए इलाकों में भी चलेगा और इस अभियान के शुरू होने से बच्चों में बढ़ रहे पोलियो के केसेस में कमी आएगी। बदमाशों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि बदमाशों को अब किसी का खौफ नहीं बचा है। हाल ही में बदमाशों का एक ऐसा ही चेहरा ग्वालियर से सामने आया है जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि ग्वालियर में बदमाशों ने जमीनी विवाद में एक युवक पर गोली चलाई। बताया ये भी गया है कि बदमाश कार में सवार होकर आए थे, उन्होंने युवक को गोली मारी। युवक जब तक कुछ समझ पाता तब तक बदमाश उसे गोली मारकर फरार हो चुके थे। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। ये घटना झांसी रोड थाना के बरुआ गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में लोगों से पूछताछ के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीर उज्जैन के दौलतगंज की है जहां गोडाउन में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। गोडाउन में आग लगने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली वो अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। बताया जा रहा है कि गोडाउन के अंदर सिर्फ चादर और बल्लियां रखी हुई थीं, जो आग की चपेट में आने की वजह से जलने लगी और आग की लपटी उठती देख तत्काल दमकल को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग गोडाउन में बुरी तरह से फैल गई। आग लगने से गोडाउन के अंदर रखा हुआ सामान पूरी तरह से जल गया। वहीं लोगों की भी भारी भीड़ वहां जमा हो गई। दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह आग गोडाउन में किन वजह से लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मुरैना जिले के कुलदीप दंडोतिया ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कुलदीप को बधाई दी है। खास बात यह है कि कुलदीप दंडोतिया पिछले साल एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। उनके शरीर को इतनी गंभीर चोट आई थी कि उन्हें लगा कि वो अब जिंदगी की रेस हार गए हैं। 6 महीने तक बेड रेस्ट कर डॉक्टरों से मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने साहस दिखाया और अपनी पावर लिफ्टिंग की तैयारी को बरकरार रखा। अब कुलदीप जून में हांगकांग में होने वाली एशिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और सितंबर में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी भाग लेंगे। खिलाड़ी कुलदीप सिंह दंडोतिया के पिता ब्रजराज दंडोतिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर माता पिता के लिए बहुत ही खुशी के क्षण होते हैं जब उनका बेटा देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है। कोरबा पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करके एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को सकुशल अपने घर पहुंचाया है। इस जमाने में जहां लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं, ऐसे में पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से ही बुजुर्ग महिला को अपने घर पहुंचाया। भीषण गर्मी में भटकी हुई बुजुर्ग महिला की मदद करके पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। दरअसल कोरबा में भटक कर आई बुजुर्ग के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया और सोशल मीडिया से मिली मदद के जरिए महिला के परिवार को कुछ ही समय में खोज निकाला और उसे सकुशल डायल 112 टीम ने रजगामार थाना इलाके के बुंदेली गांव पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी और अपना पता बताने में असमर्थ थी, लेकिन पुलिस के प्रयास के चलते वो परिजनों से मिल गई। पुलिस के इस सराहनीय कार्य की हर तरफ प्रशंसा हो रही है।
मनेंद्रगढ़ में बेखौफ चोरों को अब किसी का भी डर नहीं बचा है। यहां चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। बता दें कि चोरों ने मंदिर में धावा बोलते हुए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल दुर्गा धाम को चोरों ने निशाना बनाया और मंदिर के दान पेटी में रखी नकदी को साफ कर दिया। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर मंदिर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इसके पहले चिरमिरी के पोड़ी दुर्गा मंदिर से भी चोरी की वारदात सामने आई थी। वहीं इस तरह की ये दूसरी वारदात सामने आई है। इससे ये साफ है कि चोरों को किसी का भी डर नहीं है। हालांकि थाना पुलिस ने इन शातिर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। गरियाबंद में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने के लिए ग्रामीण सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। अवैध रेत खनन की रोकथाम के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण खनन वाली जगह पर पहुंचे और जमकर हल्ला बोला और अवैध खनन को रोकने की मांग की। दरअसल जिले में माफियाओं का आतंक है और इसी को रोकने के लिए ग्रामीण खुद ही नदी किनारे पहुंचे और खनन के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि यहां ग्रामीणों ने खनन में लगी मशीन के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे वक्त से इलाके में अवैध खनन चल रहा है। यहां तक कि जिस जगह पर खनन करने के आदेश भी नहीं है वहां पर खनन किया जा रहा है, जो कि किसी भी हालत में ठीक नहीं है। माफियाओं में किसी का डर नहीं रह गया है। प्रशासन की लाख बार समझाइश के बाद भी धड़ल्ले से खनन चल रहा है और इसी के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हल्ला बोला और खनन को रोकने के लिए नदी किनारे प्रदर्शन किया। लंबे समय से जो यात्री कम ट्रेनों की परेशानी से जूझ रहे थे उनके लिए रेलवे ने जगदलपुर में बड़ी सौगात दी है। बता दें कि अब से कोटपार स्टेशन पर 3 यात्री ट्रेन रुकेगी, जिससे कि यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलेगी। बता दें कि इस जगह के लोग लंबे समय से यात्री ट्रेन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यात्री ट्रेनों की कम संख्या होने से लोग काफी परेशान चल रहे थे, जिसके बाद अब जाकर इन लोगों की समस्या को समझते हुए रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया और राउरकेला नाइट एक्सप्रेस और हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को यहाँ के लिए मंजूरी दी गयी। हालांकि इन ट्रेनों का स्टॉपेज कब से शुरू होगा और लोगों को कब से ये सुविधा मिलेगी, इसके लिए अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जल्द तारीख की घोषणा करेगा। एक बात तो तय है कि रेलवे के इस फैसले से यात्रा करने वाले लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। मौसम के बदले मिजाज से जहां आम लोगों को राहत मिली है, नौतपे में बारिश हो जाने से आम लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं किसानों को इस बारिश से नुकसान भी हुआ है। पेंड्रा में कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। इस बारिश से जहां आम लोगों को राहत मिली है, तो बारिश में तेंदुपत्ता संग्राहक और किसानों को नुकसान भी हुआ है। असमय हो रही बारिश से तेंदुपत्ता संग्रहण में भारी कमी आई है। बता दें कि खुले मैदान में तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जाता है और ऐसे में बेमौसम हो रही बारिश के चलते तेंदु के पत्ते खराब होंगे। जानकारी के अनुसार अभी बारिश का दौर खत्म नहीं होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक और बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे ही बारिश होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। बता दें कि लोगों को नौतपा की गर्मी में बारिश हो जाने से राहत मिल रही है, तो वहीं किसानों को इस बारिश से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। जशपुर जिले में सूखते नदी नालों के चलते गिरता जलस्तर भीषण गर्मी में जिलेवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जशपुर जिले में इन दिनों नदी नाले सूखे हुए हैं, नतीजतन जलस्तर बेहद गिर चुका है। ऐसे में हैंडपंप बोरवेल सभी सूखे पड़े हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों के सामने जल संकट बड़ी समस्या बना हुआ है। जहां जल संवर्धन और संरक्षण के लिए पूरे साल कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए विशेष पहल नजर नहीं आती, तो वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का शासकीय भवनों या नगरीय निकायों के भवनों में आज भी अभाव है। ऐसे में गिरते जलस्तर को रोकने में कारगर साबित होने वाला
बारिश के पानी का संरक्षण जिले में बिल्कुल भी नजर नहीं आता और अब आलम यह है कि जिलेवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल सूखते नदी नालों के बीच गिरता जल स्तर रोकने का काम जल संरक्षण ही एक उपाय है। वनांचल जशपुर में बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए धरातल पर प्रशासनिक पहल हो तो शायद जल संकट से लोगों को राहत मिले। फिलहाल इस भीषण गर्मी में जिलेवासियों को जल संकट से राहत और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कब होगा ये देखने वाली बात होगी। नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव की सड़कों का हाल बुरा है। शहर की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे भरे हैं और राहगीर इससे परेशान हो रहे हैं। शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। निर्माणाधीन सड़कें अभी से उखड़ने से नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप भी लगाए, कहा कि भ्रष्टाचार के कारण जगह जगह सड़कें अभी से उखड़ने लगी हैं और अधिकारी झांकने तक नहीं जाते, जिसका परिणाम है कि रोड अभी बनना शुरू हुई है और अभी से उखड़ने लगी है। बता दें कि गुरुद्वारा चौक से मानव मंदिर चौक का निर्माणाधीन रोड जो अभी से खराब होने लगा है, साथ ही शहर की सड़कों का बुरा हाल है। रिपेयरिंग का काम भी आधा अधूरा है और जो सड़कें हैं वो भी अभी से उखड़ रही हैं। अधिकारी झांकने तक नहीं जाते, जिसके चलते सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, रोड खराब हो रही है। लगातार खराब सड़कों को लेकर लोगों ने शिकायत की है, साथ ही सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत की जा रही है। इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश का मौसम आने वाला है और इससे पहले सड़कों की ऐसी हालत वाकई में एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ये पक्के निर्माण दरअसल अवैध हैं, लिहाजा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची थी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। दरअसल शहर के पुष्पक बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के लिए जमीन खाली थी, इस पर अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों ने दुकान बना ली। इसकी खबर मिलने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को हटाने की नसीहत भी दी, लेकिन जब कोई बात नहीं सुनी गई तो फिर यह कार्रवाई हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ ये कार्रवाई की गई। शांत स्वभाव वाले हाथी आजकल अपना डेरा तोरेंगा इलाके में डालकर बैठे हैं और कुछ दिनों से हाथियों के तांडव मचाती हुई कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे कि लोगों में इस जीव को लेकर डर बैठ गया है। तोरेंगा इलाके में एक दो नहीं बल्कि पूरे 34 हाथियों ने यहां हाहाकार मचाया हुआ है। अचानक हाथियों के डेरा डालने से लोगों में दहशत है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाथियों ने अपना डेरा डालकर रखा हुआ है। हाथियों ने यहां न केवल डेरा डाला है बल्कि ये यहां पर सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन हाथियों के यहाँ डेरा डालने से लोगों में भी डर बना हुआ है। हाथियों के आतंक को देखते हुए 15 से ज्यादा गांव में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को भी संभल कर रहने की समझाइश दी जा रही है। आपको बता दें कि 34 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों ने राजा पड़ाव शोभा क्षेत्र में सब्जी की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। जशपुर में एक महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। घर में घुसकर विवाहिता से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को कोतवा पुलिस ने चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार भी कर लिया। चौकी कोतवा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण के आरोपी मोटरसाइकिल से पीड़िता विवाहिता के घर पहुंचे और कुछ ही देर पश्चात आरोपियों ने विवाहिता की सास को शराब पिलाई। सास की बेहोश होने के बाद विवाहिता के कमरे में अनाधिकृत रूप से घुस गए और उसके बाद आरोपी विवाहिता से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी दौरान विवाहिता का पति और जेठ घर में आए और उनकी आवाज देकर चिल्लाने पर दो आरोपी मौका देकर अपने साथ लाई मोटरसाइकिल को छोड़कर वहां से फरार हो गए। मौके पर मौजूद एक अन्य आरोपी को परिजनों ने पकड़ लिया। हाथ मुक्का और डंडे से मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। कहते हैं पुलिस रक्षक होती है, लेकिन जब पुलिस भक्षक बन जाए तो सोचिए आम जनों का क्या होगा। क्या होगा उस आम जनता का जो पुलिस के पास इंसाफ के लिए जाते हैं। कहा भी जाता है कि पुलिस का काम शहर समाज और लोगों के बीच शांति बनाए रखना होता है, कानून का पालन करवाना होता है, लेकिन कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ते हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कानून का पालन करने वाले कानून को ताक पर रखकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें खंडवा की हैं, जहां पुलिस वाले एक दंपति के साथ उलझ गए। दरअसल ये दंपति अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस वाले उसकी शिकायत क्या सुनेंगे, वो तो उनसे किसी बात को लेकर उलझ गए।
पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ हाथापाई की गई। वीडियो में देख सकते हैं कैसे पुलिस वाले वर्दी उतार कर वर्दी का रौब दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सामने आया, पुलिस अधीक्षक ने थानेदार को लाइन हाजिर किया और फिर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया का सदुपयोग किसी के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। तस्वीरें दौसा से आई हैं। यहां सोशल मीडिया की बदौलत समाज आगे आया और एक अनाथ बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। दरअसल दौसा जिले के फराजपुरा गांव की रहने वाली सुमन बैरवा की 27 मई को शादी थी, लेकिन सुमन के ना पिता हैं और ना माँ। करीब 6 साल पहले उसके पिता भगवान सहाय और माँ निर्मला देवी की मौत हो चुकी थी। पिता सड़क दुर्घटना का शिकार हुए तो माँ सीढ़ियों से गिर जाने के कारण भगवान को प्यारी हो गई। ऐसे में सुमन बैरवा और उसके भाई के लिए लोगों ने आर्थिक सहयोग करके 2 कमरे बनवा दिए और जब शादी का दिन आया तो सामाजिक संगठन सामने आ गए। किसी ने टेंट की व्यवस्था की तो किसी ने खाने की, किसी ने दहेज का सामान दिया तो किसी ने सोने चांदी के आभूषण भेंट किए। सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस शादी को मिशन के रूप में लोगों ने लिया तो लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग कैश के रूप में प्राप्त हो गया। शादी में होने वाले इंतजाम और अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्तर पर करके जिम्मेदारी पूरी की। इस तरह एक अनाथ बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हो पाई। कटहल को सब्जी कहें या फल, ये कंफ्यूजन लगभग सभी के मन में होता है, चाहे इसे जो भी माने, लेकिन इससे कटहल खाने के फायदे नहीं बदलने वाले। कटहल के गुण और इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे स्वास्थ्य वर्धक बनाते हैं। कैंसर जैसी गंभीर समस्या की रोकथाम के लिए भी कटहल का सेवन फायदेमंद बताया जाता है। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी माना जाता है, लेकिन अफसोस किसान इसकी खेती से बचते हैं, जबकि ये कम लागत पे बंपर कमाई करने वाला उत्पाद है। जी हाँ, वैसे तो कृषि से पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन उन तरीकों में मेहनत ज्यादा करनी होती है, पैसा ज्यादा खर्च करना होता है, लेकिन कटहल की खेती में केवल एक ही बार पैसा खर्च करना होता है, उसके बाद फिर दोबारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। कटहल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक के हुबली में जैविक मेला और कटहल उत्सव का आयोजन किया गया। यहां शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कटहल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित किया गया। दरअसल ब्रिटिश काल में चंबल में बड़े पैमाने पर कटहल की खेती होती थी। ऐसा कहा जाता है कि हत्या जैसे संगीन मामले में कटहल के 5 पेड़ देने पर जमानत मिल जाती थी। उत्तराखंड में जोरदार बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। श्रद्धालु छाती लेकर बरसाती पहनकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तेज बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट को खुले 1 महीना हो गया है। 1 महीने में 4,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए थे। इस बार की यात्रा में मौसम ने सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की, लेकिन भक्ति की राह में उसकी एक न चली। स्वच्छता में अपना परचम लहरा चुके इंदौर शहर के सफाई कर्मियों की हर जगह तारीफ होती है। इंदौर में सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने और उनके काम को सम्मान देने के लिए कलेक्टर नए रूप में सामने आए। कलेक्टर इलैया राजा टी ने न सिर्फ सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया बल्कि उनके साथ बैठकर नाश्ता भी किया। इस दौरान कलेक्टर ने सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग बड़ी मेहनत का काम करते हैं, शहर को साफ करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कलेक्टर के संदास को देखकर हर सफाई कर्मी का चेहरा खिल उठा। बता दें कि इंदौर में सफाई कर्मियों की मेहनत और आम लोगों की सहभागिता से ही शहर की स्वच्छता की हर जगह तारीफ होती है। साल दर साल इंदौर सफाई के क्षेत्र में अव्वल आ रहा है।
बेमिसाल डिजाइन और दमदार फीचर्स वाली ये वो साइकिल है जो इन दिनों सुर्खियों में है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले इंजीनियर विकास यादव ने एक अलग तरह की ये साइकिल डिजाइन की है। इसकी खास बात यह है कि ये साइकिल पैडल और बैटरी दोनों से चल सकती है। इसमें कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं। 30,000 रुपए की लागत से तैयार इस साइकिल की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार चार्ज करने पर ये साइकिल 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। हालांकि ये राइडर यानी कि साइकिल चलाने वाले पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि 60 किलो वजन का व्यक्ति इसे चलाना चाहता है तो 50 किलोमीटर और अधिक वजन वाला व्यक्ति इसे चलाए तो ये कुछ किलोमीटर कम चल सकती है। इस साइकिल में लगी बैटरी 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। साइकिल के पिछले हिस्से में कैरियर लगा हुआ है जिस पर सामान या बच्चे को भी बैठाया जा सकता है। विकास ने बताया कि आने वाले समय में वो इस साइकिल में कुछ और फीचर देने पर भी काम कर रहे हैं।